तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आ गया मैं सीजन 4 में। तो जैसा कि आप जानते हैं, तो मैं पिछली वीडियो तक आपको बता रहा था ब्यूटी इफेक्ट वगैरह के बारे में। तो सिंपली मैं डेमो के लिए अपना एक पिक ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद कट आउट हो गया था हमारा, एंड आ जाती है बात टेक्स्ट पे। टेक्स्ट पे आती है बात, तो आप कोई भी यहाँ से टेक्स्ट हो तो आप सबको पता होता है, कोई भी बच्चा भी क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे आते हैं हमारे फॉन्ट पे, जो चेंज होगा हमारी जो होगी ये लिखाई, ये चेंज होगी। कलर पे आएंगे, कलर पे ये आपको कोई भी कलर सिलेक्ट करने का कहेगा। आप कोई भी कलर जो आपको अच्छा लगे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे टेक्स्ट टूलर पे आएंगे, आपको टेक्स्ट टूलर पे ये कलर्स मिलेंगे। आप यहाँ से कोई भी कलर यहाँ पे मर्ज कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। आगे आप ग्रेडिएंट पे आएंगे, ग्रेडिएंट पे आपको सिंपली दो कलर चूज करने होते हैं। आप दो कलर कोई भी चूज कर लें, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप। कोई भी सिंपली दो कलर चूज कर लें एंड इन्हें आप यहाँ पे मर्ज कर सकते हैं। आगे होता है टॉस्क, तो ये बॉर्डर बना देता है आपके लिखाई की साइड पे, तो टेक्स्ट की साइड पे ये बॉर्डर बन जाता है। आप कोई भी बॉर्डर यहाँ पे चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी का, तो ये आप देख सकते हैं। अगले नंबर पे आ जाता है हमारी स्पीकिंग, तो ये जो है ये गोल्ड पास अपग्रेड करने से होगी। तो अगले ओपोसिटी आ जाती है, ओपोसिटी से ये इसकी कम होगी और ज़्यादा हार्ड होगी। ब्लेंड आ जाता है, ब्लेंड से स्क्रीन मल्टीप्ले एंड डार्क वगैरह आप जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। शेडो आ जाएगी, ये पीछे आप शेडो देख सकते हैं, इसकी शेडो बनेगी जिसे आप वहां से कंट्रोल कर सकते हैं कैसे भी। अगर कलर शेडो का आ जाएगा, आप कलर शेडो का कोई भी, अगर बैंड आ जाएगा आप बैंड कर सकते हैं इसे, ऐसे आप इसे बैंड कर सकते हैं। तो इसे सिंपली करूँगा मैं यहाँ पे डन। डन करने के बाद आगे बात आती है ऐड फोटो की। ऐड फोटो पे क्या होता है, ये ऐड फोटो पे आने के बाद ये आपको सिंपली आपके गैलरी में ले आता है। गैलरी में ले आने के बाद सिंपली मैं आपको डेमो दिखाने, पीएनजी आप कोई भी डाउनलोड कर लो। तो मैं ये पीएनजी डाउनलोड कर लेता हूँ। अगर मैंने ये वाला पीएनजी यहाँ पे लगाना है, तो ऐड फोटो, ये मैंने फोटो ऐड कर ली। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से ये क्रॉप होगी सिंपली जो आपने ऐड की होगी। यहाँ से डन करता हूँ मैं, तो यहाँ से रोटेट होगी आप देख सकते हैं। या फिर इसकी शेडो बनेगी एंड कट आउट होगा, एडजस्टमेंट होगी, इसे आप जैसा भी करना चाहें। इसकी इफेक्ट होगी, ब्लेंड होगा, बॉर्डर होगा, आप जो भी इसे शेप देना चाहें दे सकते हैं। ब्लेंड में क्या होता है, ब्लेंड में आने के बाद आपने, अगर ये बैकग्राउंड ब्लैक हो तो आपने स्क्रीन करना है, अगर एंड वाइट हो तो आपने मल्टीप्ले करना है। जैसे मैं मल्टीप्ले कर रहा हूँ, तो ये देखें बैकग्राउंड चेंज, मैं इसे कहीं पर भी आसानी से फिट कर सकता हूँ। ये मैंने यहाँ पे फिट कर लिया, फिट करने के बाद मैं इसे करूँगा डन, तो आप देख सकते हैं। आगे बात आती है फिट की, तो फिट आप कर सकते हैं, ये देखें ये फिट कर देगा आपकी जो पिक है उसको। तो ये यहाँ से मैं डन करता हूँ। अच्छा, साइड साइड पे जो मैं आपको बताता हूँ, बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हैं। जो साइड पे इसने जो वाइट बॉर्डर लगाया है, आप वहाँ से गैलरी में जाकर अपनी कोई पिक भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके ब्रश सारे आ जाएंगे, अब जो भी यहाँ पे करना चाहें ऐड यहाँ से कर सकते हैं। ये ऐसे देख सकते हैं, यहाँ से कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो ये जो है सिंपली नेट पे चलता है, तो आपको, तो ये बॉर्डर है, बॉर्डर भी आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। ये भी सिंपली वही काम करता है जो पीछे मैंने आपको करके दिखाया है। तो अगर ड्रॉ आता है, ड्रॉ में क्या होता है जी, ड्रॉ में आपको ड्रॉ पे आना है। ड्रॉ पे आने के बाद अगर आपका कहीं पे कलर मिस्टेक है, तो आपने यहाँ पे कलर पे आना है, यहाँ पे आएंगे, सॉरी यहाँ पे आएंगे, तो आपने सिंपली ऐसे आप कहीं पे भी अपना ड्रॉ कर सकते हैं। तो ड्रॉ का सिंपली यही मतलब है। तो आगे आपके फ्रेम्स सुनो, तो अगर आपको कॉल आउट मिलेगा, जैसे आप यहाँ पे कोई भी लगा के आप उसमें अपना कोई भी मैसेज देख सकते हैं।
बासानी। तो हमारा पिक्सआर्ट का मुकम्मल मैंने आपको मेन्यू दे दिया है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी टूल्स इफेक्ट ब्यूटी एंड कटआउट के बारे में, तो आप मेरी पिछली वीडियो को विजिट कर सकते हैं एंड आप पूरा जो है वो पिक्सआर्ट खुद कंट्रोल कर सकते हैं एंड अपनी पूरी जो एक पर्सनैलिटी पिक में बना सकते हैं आप खुद। तो मेरी वीडियो लास्ट में देखिएगा एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा लेटेस्ट एंड न्यू वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।